प्रतिभाशाली बालक जेम्स से परोचे मिनटों में ही किसी की भी खूबसूरत पेंसिल तस्वीर बना देते हैं। यह हुनर उनको अपने दादाजी से मिला है। वरिष्ठ समाजसेवी अखिलेश राय ने होनहार बालक जेम्स परोचो को सम्मानित भी किया है। यही नहीं, बालक अपने हाथों से बिना सांचे के मिट्टी से देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी कुशलता से बना देता है। सीहोर के वाल्मीकि कॉलोनी वार्ड नंबर 19 में रहने वाले तरुण राखी परोचे के पुत्र जेम्स लुड़दुर माता स्कूल के होनहार विद्यार्थी हैं। क्षेत्र के युवा भाजपा नेता प्रेम राय ने बालक की बेहतरीन प्रतिभा से वरिष्ठ समाज सेवी अखिलेश राय को अवगत कराया। समाज सेवी श्री राय ने बालक को अपने कार्यालय बुलाया और सम्मानित किया। आदर्श न्यूज को जेम्स परोचे ने बताया कि बड़े चित्रकारों, फोटोग्राफरों और मूर्तिकारों के साथ दादाजी से प्रेरणा लेकर कागज पर पेंसिल से चित्र बनाना, मिट्टी की प्रतिमा बनाना सीखा है। परिजनों के द्वारा भी उनका पूरा सहयोग इस कार्य में किया जा रहा है। प्रतिभाशाली बालक जेम्स परोचे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। आदर्श न्यूज चैनल के द्वारा उनसे खास मुलाकात की गई। जब मैं 5 ईयर्स का था तब से मैं ये पेंसिल पेंटिंग स्टार्ट की मैंने बनाना, एकदम परफेक्ट स्केच बनाते हुए कम से कम 10 साल हो चुके हैं। जैसे कि गूगल्स के ऊपर मैं नई नई तरह की स्केचेस सर्च करता हूँ, उसके ऊपर नई नई तरह की आती हैं, उसके ऊपर से मैं बहुत सारी स्केच खुद निकालते भी और दूसरे की स्केच देख के सीखता भी। अभी तक मैंने अभी इंस्टाग्राम अभी डाउनलोड किया, वैसे मैं फेसबुक और यूट्यूब पे तो अपलोड करता ही हूँ, कमेंट्स आते हैं थोड़े बहुत आते हैं। जी क्या बोलती है? मेरी मम्मी इसमें बहुत सपोर्ट करती है मेरा, और इससे कभी कुछ मिस्टेक होती है तो वो भी उसके अंदर बहुत वो करती है कि हाँ इसके अंदर कुछ मिस्टेक है तुम्हें इसको सही करना चाहिए। तो मम्मी चाचा लोग हैं वो सब मतलब मेरे जो घर में है मतलब 100% मुझे सब सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। बजरंगबली जी हनुमान जी को मैं ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि मुझे शुरू से ही उनकी मूवीज़ देखना बहुत पसंद है और मुझे उनका स्वरूप भी बहुत अच्छा लगता है और मैंने उनकी भी काफ़ी पोर्ट्रेट बना चुका हूँ। मैं उनकी भी ज़्यादा स्केच बना चुका हूँ, पेंटिंग्स उनकी बना चुका हूँ। देवियों में पार्वती जी, क्यों पार्वती जी? इसलिए क्योंकि मैंने उनकी एक मूवी देखी थी, मुझे उनका एक किरदार बहुत पसंद आया था, माताओं की उसकी प्रतीक। आदरणीय अखिलेश राय जी की भी स्केच बना चुका हूँ मैं, और हमारे जो रिलेटिव थे उनकी भी बना चुका हूँ, और पेंसिल स्केच भी बनाए मैंने और कलर पेंटिंग्स भी बनाई है मैंने। लगभग अब तक आप कितनी पेंटिंग बनाए? 100 से ऊपर। इसमें कौन कौन सी पेंटिंग शामिल है? इसमें जैसे एफिल टॉवर्स, स्कल फेस और वुमन स्केचिंग। अब तक आपको कितनी जगह पर कितने पुरस्कार मिल चुके हैं? हमें स्कूल में मिल चुके हैं और एक बार अवार्ड उसमें मिला था गरबे में मैंने स्केच बनाई थी, और अखिलेश राय जी वहाँ पे मिला था एक बार, अखिलेश राय जी के पास हम गए थे एक बार वहाँ पे मिला था, और बहुत सारी जगह पे मिल चुके हैं जी। कौन सी क्लास में पढ़ा? 8th। कौन सी? लूड माता। मोबाइल फ़ोन्स चलाना, यूट्यूब के ऊपर स्केच देखना, और वैसे मेरे बहुत तरह के शौक़ हैं। मेरे को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है और मैं स्केच यूट्यूब पे देखता ही रहता हूँ, वैसे स्केच में यूट्यूब पे देखता हूँ और उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, जैसे इंग्लिश मूवी देखता हूँ, हॉलीवुड मूवीज़। अभी तक मैंने सिर्फ नेताओं में सुरेश राय जी की वाइफ की भी बना चुका हूँ मैं एक बार, और अभी तक मैंने अखिलेश राय जी की बनाई है। उन्होंने मुझे बोला है कि जैसे कभी आपको किसी भी काम में पढ़ाई या फिर उसमें योगदान चाहिए तो मैं आपका हमेशा साथ दूंगा। उसकी मुझे नेचर से बहुत लव है, वैसे मैं स्केच नेचर्स की बनाना ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है, और भगवान की तो बहुत ही ज़्यादा, वैसे मेरे पास बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स है जो भगवान के ऊपर लेकर हैं, जैसे मैंने शिव जी की, कृष्ण भगवान की, हनुमान जी की, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, इन सब की बना चुका हूँ मैं, और जब गणेश जी की स्थापना होती है तब मैंने गणेश जी भी बनाता हूँ अपने हाथों से, गणेश जी की प्रतिमा बनाई, और मुझे प्रतिमा बनाते हुए कम से कम 6 ईयर हो गए हैं। मैं हर बार बार जिस घर जब गणेश जी बैठते हैं तब मैं स्थापना करता हूँ और अपने हाथों से ही बनाता हूँ, लेकिन मैं अभी और पूरी एजुकेशन मेरी कंप्लीट करना चाहता हूँ, 12th के बाद मैं कॉलेज भी पूरा कंप्लीट करना चाहूँगा और कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मेरे पापा जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमें पढ़ाने के लिए, नगर पालिका में उनकी जॉब है तो वो हमें पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मैं उससे बहुत कुछ अपेक्षा रखता हूँ मेरे बालक से, और
उन सभी बालकों से रखता हूँ जिनके माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, उनके लिए बहुत संघर्ष करते हैं। मैं उन बच्चों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि माँ बाप तो अपने तरफ से पूरा कर्तव्य करते हैं, कुछ बच्चों का कर्तव्य भी बनता है कि वो अपने माँ बाप के अरमानों का और खुद के सपनों को पूरा करें, ताकि वो भी ज़िंदगी में सफल रहें और माँ बाप भी उनसे खुश रहें। नहीं बनाना चाहिए, उसके शुरू से ही है, बचपन से ही बनाता है पेंटिंग का, बहुत शौक है उसे शुरू से ही। जी हाँ, मेरे बेटा वो तो ये चाहती हूँ कि और आगे बढ़े, वो मेरी दुआ है कि वो और तरक्की करे, वो खूब अच्छा पेंटिंग बनाए। और ये एक दो मुझे व्हाट्सअप करिए, उन्होंने जब मुझे व्हाट्सअप करा तो मुझे लगा कि यार एक अलग ही कला है, मतलब मालिक किसी न किसी में जो खूबी देता है वो इस बच्चे में मतलब भरपूर भरी है, लेकिन इसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति वो साथ में चाहिए। तो मैं अपने जो समाज से भी अखिलेश राय जी से मैं अपने पर्सनल काम के लिए जब मैं उनसे मिलने गया तो उनको मैंने बालक की पेंटिंग जब दिखाई तो उनको भी यकीन नहीं हुआ कि एक छोटा सा बालक मतलब इतनी प्यारी पेंटिंग बना सकता, वो भी मात्र पेंसिल से स्केच करके। उन्होंने तुरंत ये बोला कि आप तो एक काम करिए, घर जाइए और बालक को तुरंत लेके आइए। मैं बालक को तुरंत घर आया, किस्मत से बालक घर पे मिल गया, और जब मैं भाई साहब के पास लेके गया तो भाई साहब ने जो बालक को फूल माला के साथ स्वागत करा और आगे तक के लिए पूरी ये बोला कि आपको पढ़ाई के साथ में अगर आपको पेंटिंग में या किसी भी चीज़ में कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो 24 घंटे के लिए आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है।